A warm welcome to the eagerly waiting audience out there. Hello and namaste to one and all. वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर इतना मीठा होगा ये हमें नहीं पता था. With the huge success of the What If episodes that there remained a flood of nagging demands from our ever enthusiastic learners for yet another amazing session of What If. So, as promised, here we are with our third episode of the What If. And the topic chosen is, what if we have to live in a zero plastic house? दर्शकों, सर्वांकुश विद्या मंदिर की यह अनोखी पहल रही है कि वह अपने विद्यार्थियों को विषय वस्तु से अवगत कराने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तित्व जिन्होंने उस जिंदगी को सही मायने में जिया है से रूबरू कराए, ताकि ये कोरे कागज या कैनवस जैसे अबोध मन इनके जीवन पर अनेकानेक संभावनाओं को रंगा जा सके. इसी क्रम में हमारे बीच श्री दीपक बघेल जी आए, श्री रोहित सेन जी आए. डियर चिल्ड्रन, वी फील एक्सट्रीमली इलेटेड इन ब्रिंगिंग टू यू एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफ. We had promised you a rendezvous with a personality whose presence would have a lasting effect. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Padma Shri Miss Janak Palta MacLagan, who have been gracious to be our keynote speaker today. SVM Portals, welcome you, ma'am. Janak ji is the founder director of Jimmy MacGilligan Center for Sustainable Development, an Indore-based NGO working for sustainable community developments. She is also a former founder director of Burley Development Institute for Rural Women, an ardent academician with masters in English, Pol Science, Sangeet Visharad, MPhil in Political Science, and a PhD. Ma'am has adorned every field of experience. Ma'am is a global advisor for the board of Solar Cooker International, SCI, Sacramento, co-founder of Jaivik Setu in Indore. She is an honorary secretary of Sangini Cancer Care Society and has been a member of management board of Chitrakoot University. Janak ji has also been associated with UNICEF as a resource person for the National Institute of Public Cooperation and Child Development. Listing her associations and passion would lead us with no space to conduct this session today. So let us hear from herself. Janak ji, swagat hai aapka. Hum sabhi sabse pehle yeh janna chahte hain ki Janak Palta se Padma Shri Janak Palta MacGilligan ka safar aapne kaise tay kiya? Thank you very much. मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का वक्त है. ठीक है, वॉल्यूम ठीक है? यस मैम. ओके, मेरे लिए ये बहुत खुशी का टाइम है कि मैं हमारी मोनिका जायसवाल इंदौर छोड़ के आपके लिए महाराष्ट्र में रत्नागिरी में जाके चाहती है कि मैं आप सबके साथ कुछ समय गुजारूं. और मैं आपको, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसकी बात, उसका जवाब मेरी बात में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पद्मश्री कोई मेरा नहीं है. वो सब उन लड़कियों और लोगों का है जिन्होंने ये सब काम किया और जाकर उन्होंने अपना, उनका नाम पहुंचा और पद्मश्री पुरस्कार के लिए मुझे चुना गया. मैंने पद्मश्री के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए. लेकिन मैं आपको, आप बच्चों के साथ अपनी बात, आपको दो चीजें दिखा के शुरू करना चाहती हूँ. आप सब देख सकते हैं मेरे हाथ में एक स्टील की फ्लास्क है, एक ये छोटा सा स्टील का ग्लास है. तो आज का जो आपने मुझे विषय दिया है कि आप ऐसे घर में पहुंचे जहां पर प्लास्टिक नहीं है, तो प्लास्टिक नहीं है तो क्या है, आपको ये बताना चाह रही हूँ.
मैं मेरे जीवन में मैं ऐसी कोई भी चीज का उपयोग नहीं करती हूँ जो पर्यावरण को या किसी भी इंसान को किसी भी जीव को हानि पहुंचाता है। अभी इस बात को इस इन दिनों में ये बात करना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि मोनिका ने ये सब्जेक्ट लिया, क्योंकि ये जो कोरोना फैला है, अभी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने मास्क भी पहन रखा है, शायद वो किसी के साथ बैठे होंगे। तो ये कोरोना क्यों फैला? आप सबको आपने सुना होगा कि ये हमने एक बैट का हैबिटेट डिस्टर्ब कर दिया। उसका जो वायरस बना, वो वायरस इतना खतरनाक है कि पूरे वर्ल्ड में एक किसी के एक घर को हम जब गिराते हैं तो उसके साथ पूरी दुनिया गिर सकती है। इस वक्त किसी को, सभी लोगों ने एटम बम बना के रखे हुए हैं, सभी लोगों ने बहुत प्रकार के बम बना के रखे हैं। हर कंट्री का करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स और पाउंड्स और करेंसी, यूरोपियन करेंसी और इंडियन करेंसी, सबका बहुत सारा ये मिलिट्री और एयरफोर्स और फौज और पुलिस और सुरक्षा के कितने, जब आप कभी किसी एयरपोर्ट पे गए होंगे आपने देखा होगा कितनी सुरक्षा में से हमें गुजर के जाना पड़ता है। हमारी हर चीज का वो चेक करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। लेकिन ये कोई भी चीज कोरोना के आगे बड़ी नहीं है। एटम बम से भी बड़ा शक्तिशाली एक कोरोना आया है पूरी दुनिया के लिए, और उसने दुनिया को मजबूर कर दिया है कि आप घर बैठो, आपके स्कूल बंद है, आपका काम बंद है, आप नहीं जा सकते, आपका कोई मर जाए तो भी आपको नहीं जाना उसको उठाने के लिए, आपको आपका गैदरिंग, आपका पार्टी, आपका सोशल, आपका मंदिर गुरुद्वारे गिरजाघर कहीं भी जाना सब कुछ बंद करा दिया है एक कोरोना ने। और आपको ये बताती हूँ कि प्लास्टिक की बात आपने की है, इसकी छोटी सी आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि मैंने, आपने ये प्रश्न पूछा किरण देवल मैडम ने कि मेरी ये जो जनक पलटा मगिलिकन की थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आपको बताऊं कि मेरा जन्म पंजाब में हुआ, जालंधर में, और मेरे माता पिता जी ने मेरा नाम जनक दुलारी रखा। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि हम गुरु नानक देव जी की बहन के परिवार के लोग हैं। बीबी नानकी जी पलटा परिवार में ब्याही थी। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ जब मैं स्कूल से थोड़ी बाहर स्कूल के लेवल पे आई कि आई शुड राइट माई नेम जनक दुलारी पलटा, तो मैं जनक दुलारी पलटा हो गई। लेकिन मेरे जीवन में क्या क्या कारण थे जो मैं इस दिशा में आज आपके सामने बैठी हूँ। मैं आप बच्चे मेरे को लगता है कि 12-14 साल की उम्र से कम होंगे सारे बच्चे ज़्यादातर। मैंने स्कूल पास किया था, हाई स्कूल, हमारे ज़माने में हाई स्कूल होता था। तब हम लोग जालंधर से चंडीगढ़ आ गए थे, मेरे पिताजी ने चंडीगढ़ घर बना दिया था हम लोगों को, और वो हमेशा किसी ना किसी प्रोजेक्ट में रहते थे, ट्रांसपोर्टर थे पटा ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो भाखड़ा डैम, बुखारो स्टील प्लांट, बिलाई स्टील प्लांट, जितने इंडिया में प्रोजेक्ट बने बड़े बड़े, वहाँ मेरे पिताजी रहते थे। साल में एक बार घर आते थे, लेकिन हमारी माँ ही हमारी गुरु थी, वही शिक्षिका थी और वही पालक थी। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने स्कूल पास किया 1963 में, तो 1964 चल रहा था। उस दौरान
मेरी तैयारी थी कि इसके बाद मुझे कॉलेज दाखिल होना है। कॉलेज दाखिल होने के लिए मैंने फॉर्म वगैरह भर दिए थे और अचानक एक दिन में बेहोश हो गई। तो मुझे उठा के वहाँ बहुत बड़ा चंडीगढ़ पीजीआई, एक सबसे बड़ा नया रिसर्च सेंटर इंडिया का, ले गए और वहाँ पता चला कि मेरे को मेरी लाइफ सिर्फ 6 महीने की है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बच पाऊँगी, मेरे हार्ट की स्थिति ऐसी थी तो हार्ट की ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी। लेकिन उस टाइम तक इंडिया में एक भी ओपन हार्ट सक्सेसफुल सर्जरी नहीं हुई थी। तो कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है मोहित, could you please keep yourself on mute? किसी का ऑन होगा वो स्पीकर, अभी ठीक है, आपको ठीक है, मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया, एक साल मैंने हॉस्पिटल में गुजारा, 6 महीने की मेरी एक्सपायरी डेट थी 6 महीने के बाद, लेकिन मैं एक्सपायर नहीं हुई क्योंकि मुझे आप सबको मिलना था और फिर पता चला कि सक्सेसफुल सर्जरी इसलिए नहीं होती थी, किसी को एनेस्थीसिया 14 घंटे की सर्जरी थी ये, और किसी को 14 घंटे का एनेस्थीसिया देना नहीं आता था। तो आपके महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, कितने लोगों को पता वर्धा का, हाथ खड़ा करें, काफी लोगों को पता है। तो वर्धा में एक महिला थी जो विनोबा जी की और गांधी जी की शिष्या थी, डॉक्टर सुशीला रैयर, वो मिनिस्टर थी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। हमारे जैसे आप बच्चे हैं, मैं जब बच्चा थी तो हमारे एक पड़ोसी जो थे वो सुशीला नैयर, डॉक्टर सुशीला नैयर के मौसाजी थे, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा कहते थे कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो वो उन्होंने सुशीला नैयर के पास गए और जाके उसको डांटा, हमारी लड़की 8 महीने से अस्पताल में पड़ी है और उसकी सर्जरी क्यों नहीं कर रहे। तो सुशीला नैयर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने जांच कराई तो पता चला कि एनेस्थीसिया देते के वक्त या पहले ही मरीज मर जाते हैं। तो सुशीला नैयर ने, मैं आपको अपना महाराष्ट्र का कनेक्शन जीवन का बता रही हूँ, आज मोनिका अभी गई है जो जोड़ा वापस उसने, ये तार जोड़े हैं। तो सुशीला नैयर ने कैनेडा से एक इंडियन एनेस्थीसिस्ट, जो वर्ल्ड के बेस्ट एनेस्थीसिस्ट थे, डॉक्टर भट्टाचार्य, उनको बुलाया, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, 14 घंटे में मेरी सर्जरी हुई, मेरा पूरा ब्लड बदल दिया गया था क्योंकि वो ब्लड बहुत खराब हो चुका था। मेरे जीवन में मैंने, ये पहली बार था कि मैं बीमार हुई और पहली बार था कि मैं एक साल हॉस्पिटल में रही और पहली बार था कि मैं बेहोश नहीं, मुझे पता ही नहीं। और मुझे तब पता चला डॉक्टर भट्टाचार्य भी खड़े थे और भी जो सर्जन थे, उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ मारकर बोला, जनक आंखें खोलो, देखो तुम्हारी सर्जरी हो गई है, यू हैव मेड द हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ इंडिया। और इससे पहले कि सर्जन ये पूरी बात कर लेते, मैंने ईश्वर से वायदा किया, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं इस जिंदगी को आपका थैंक यू करने में लगाऊंगी। ये उस दिन की बात है, 1965 शुरू होने वाला था, पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी, उस टाइम वॉर भी चल रही थी, लेकिन मैं बची और मैंने वहां से आने के बाद, आपकी उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी, तो ऐसा ईश्वर को धन्यवाद देना कैसे देना, कौन है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर, धन्यवाद का मतलब क्या होता है।
तो पहला जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मेरा पहला काम जो मुझे मिला सेवा का, ईश्वर को धन्यवाद देने का, मुझे ओपीडी जो होती है कार्डियोलॉजी की, हार्ट की जो ओपीडी है, उसमें डॉक्टर कहते थे कि आपको आके इधर बैठना है। मुझे एक कुर्सी पे बिठा देते थे और जितने मरीज आते थे जिनको सर्जरी की जरूरत थी वो मेरे से कंफर्म करते थे कि हाँ मेरी सर्जरी हुई है, और मैं उनको ऐसा करके दिखाती थी। ये मेरे अभी भी यहाँ से लेके पूरा नीचे तक स्टिचेस का अभी भी निशान है। तो बहुत महीने मेरे को यही सेवा करनी पड़ी कि मैं रोज जाके जिन लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए तैयार होना था वो डर उनका निकल गया था। और तो उसके बाद जब उनके पास दूसरे ऐसे लोग हो गए जिनको देखकर, ये सोशल मीडिया नहीं था, मुझे पक्का पता है अभी जो बच्चे या इवन प्रिंसिपल मोनिका भी, क्योंकि इतनी छोटी है उम्र में, आप लोगों ने वो जीवन नहीं देखा कि मोबाइल फोन के बिना, इंटरनेट के बिना और ऐसी कोई दुनिया होती थी। हम लोग कैसे एक दूसरे तक पहुंचते थे, कैसे संदेश देते थे, बहुत लंबी स्टोरीज है, मैं कई महीने इस विषय पे बात कर सकती हूँ, शायद वहां आके रहने के लिए आगे बात करूंगी। लेकिन उस समय पर फिर मैंने मन में सोचा कि अभी मुझे घर पे जाके अपनी पढ़ाई भी करना है। मैंने उस टाइम ये सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्लस टू कुछ नहीं था, प्रेप होती थी प्री यूनिवर्सिटी, तो मैंने प्री यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भर दिया और साथ में मैंने थोड़ा जो भी हमारे रिश्तेदार कहीं से या किसी का भी पता चलता था बीमार है तो उसको हॉस्पिटल, अब एक साल हॉस्पिटल रहने में सारे डॉक्टर, सारी नर्स, मैं उनका एक रिश्तेदार थी, बच्चा थी, पीजीआई का बच्चा थी मैं, तो पीजीआई ने मुझे अपना बच्चा भी माना और ये सक्सेसफुल सर्जरी भी। तो मैं लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता था, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी, कौन सी वार्ड में जाना बहुत बड़ा था, तो मैं बस उनको ले जाती, उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलती, दिखा लेती, फिर मैं घर आ जाती, फिर मेरा एक तो ये काम कुछ समय चलता रहा। फिर मैंने वहां के, मुझे पता चला कुछ लोग ब्लाइंड्स हैं, तो दो ब्लाइंड लोग थे, एक को रीडर की जरूरत थी, एक को राइटर की जरूरत थी, तो मैं एक ही रीडर बनी और एक ही राइटर बनी, और मैं उनके साथ बैठ के वो जो बोल सुनना चाहते थे मैं पढ़ के सुनाती थी, और जो लिखवाना चाहते थे मैं उनके लिए लिखती थी। तो मैंने फिर ब्लाइंड एसोसिएशन ज्वाइन की, इस तरह करके छोटे छोटे। फिर मेरे मन में आया, मुझे कुछ रास्ता नहीं पता था जीवन का, लेकिन जो जो मुझे समझ आता चला गया मैं वो ऐसा अपने धुन में करती चले गई, क्योंकि मुझे एक ही बात पता थी कि मुझे ईश्वर का धन्यवाद देना है। कोई गोल नहीं था ऐसा मेरे जीवन में, ना था ना है, मेरे जीवन में ऐसा गोल नहीं था, लेकिन मुझे लाइफ का पर्पस, जिंदगी मुझे ईश्वर ने क्यों दी है, एक बार जन्म दिया फिर मुझे जिंदगी दोबारा, बहुत उसका बड़ा मेरे लिए एहसान है, तो उसका थैंक यू कर रहा, बस एक ही बात पता थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आसपास के धोबी का बच्चा, नाई का बच्चा, मोची का बच्चा, जिन बच्चों को लोग छुआछात भी करते थे वो बच्चों को मैं मेरे घर में बुला के पढ़ाती थी, और मैं खुद भी पढ़ती थी। और मैं आप बच्चों को यहाँ एक तो ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं स्कूल के बाद मैं कभी पढ़ने नहीं गई हूँ, स्कूल के बाद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद आपके साथ, बस इस बीच में कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गई हूं मैं। लेकिन मैंने अपनी सारी पढ़ाई बीए की, एमए इंग्लिश किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, संगीत विशारद किया, एमफिल किया,
साथ में काम किए, साथ में सेवा की, साथ में नौकरियां की, और मैं हाई स्कूल में सिर्फ रेगुलर हिंदी मीडियम था, पंजाबी हिंदी दो लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश हमारा सेकंड सब्जेक्ट था, लेकिन मेरे मन में धुन आई कि मुझे इंग्लिश मीडियम में अपने आप पढ़ना है, और मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने टोटल पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में। मेरे घर में मेरी माँ को सिर्फ गुरुमुखी आती थी पंजाबी, पिताजी को उर्दू, और वो बाहर रहते थे, और मैं सबसे बड़ी थी, मेरे चार छोटे बहन भाई थे। तो मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपना काम जारी रखा, और मेरे जीवन में 10th क्लास में मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था, इंग्लिश की किताब, 10 Great Lives। 10 Great Lives में ये सब लोग थे, रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और हमारे इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, ऐसे 10 लोगों की कहानी की किताब मैं जब पढ़ी थी, मेरे दिल पर उसका बहुत प्रेरणा थी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं उससे क्या समझ रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं उसका जो कुछ उसमें से सीखा क्या, और वो सीख कर कर रहे हैं कि नहीं, और जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, अपने लिए ठीक लगता है कि नहीं, ईश्वर के लिए ठीक लगता है कि नहीं, वो दुनिया के काम की बात है कि नहीं, ये समझ मुझे उस एक साल अस्पताल में जब मेरी नर्सिस ने सेवा की, जब मैंने दुनिया को, आपको पता है महात्मा बुद्ध दुख को देखकर गौतम बने सिद्धार्थ से, मैं दुख को देख के जरक पलटा बनी, और फिर चलते चलते बहुत साल मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली, 20वें साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली थी, फिर मैं ट्रांसलेटर थी हाईकोर्ट में, उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर थी, फिर मैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो थी यूजीसी की, फिर मैंने होम मिनिस्ट्री के साथ काम किया, तो करते करते एज ए रिसर्चर मैं मध्य प्रदेश में आई थी। और मुझे, मैंने 16 साल लगाए इस बात की खोज करने में कि ईश्वर कैसे, उसका थैंक यू कैसे करना है, क्या रास्ता होगा मेरे जीवन का। और मेरे को कुछ बातें बहुत मेरे अंदर क्लियर थी कि मैं धर्म के फर्क को नहीं मानती थी, मैं ये मानती थी कि सारे धर्म ईश्वर के भेजे हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सारे इंसान, मैं इंसानियत को धर्म मानती थी। लेकिन मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई, और मैंने जब ये देखा कि ये भेदभाव करते हैं, लड़की के साथ लड़के का भेदभाव करते हैं, खाना ऊपर से देते हैं, जो खाना, जो सफाई करने वाली है उसको उसको छू नहीं जाए, अनटचेबिलिटी बहुत, ये सब बातें मेरे जीवन में बहुत उदास करती थी मेरे को। तो मैंने सोचा मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ, और ऐसा ऐसा हो जिसमें मैं सबकी हो जाऊं और सब मेरे हो जाए, मैं जो भी काम करूं उसमें किसी को भी, कोई भी हो जिसको मेरी जरूरत है, मैं उन सब के लिए काम कर पाऊं। पर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। मैं बहुत हरिद्वार गई, हर बार जाती थी, मैंने हिंदू सारे तीर्थ किए, चारों धाम, ये अपने भारत के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर सारे गुरुद्वारे, हेमकुंड साहब, सारे चर्च, सारे गिरजे, सारे धर्म, सब जगह जाती, जा जाके। और मैं आखिर 16 साल के बाद मैंने एक रास्ता अपने जीवन का चुना, उसका नाम है बहाई धर्म। दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, कितने लोगों ने देखा है लोटस टेम्पल, हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। ठीक है, नहीं है तो जरूर लोटस टेम्पल को भी देखिएगा गूगल में, और बहाई धर्म को भी देखिएगा। तो मैंने बहाई धर्म को अपना, अपनी इच्छा से, बहाई धर्म जन्म से और शादी से नहीं मिलता है, बहाई धर्म खुद कहना पड़ता है
कि मैं इस पे चलना चाहती हूँ, ये मानव धर्म है, ये एकता का धर्म है, ये शांति का धर्म है, ये सबसे मानव प्रेम का धर्म है, और विश्व को, विश्व का, पूरे विश्व को कैसे हम अपना मानेंगे और हम उसका कैसे हिस्सा है। आप सब बच्चों को और टीचर्स को ये बताना चाहती हूँ, हम इस टाइम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। हमारा हर एक्शन, हमारी हर सोच, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे स्कूल संस्था को, मेरे गांव शहर को, मेरे रिश्तेदारों को, भारत को, पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है, उसका असर होता है। अब ये स्टोरी हो गई कि मैं इस रास्ते पे चली, और मैं प्रोफेशनल रिसर्च फेलो थी होम मिनिस्ट्री के साथ, तो मैं सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए इंडिया में, मैं उनकी स्टडी करने मैं निकली एज ए रिसर्चर, और करते करते मैं इंदौर आई, यहाँ भी दंगों का अध्ययन करने के लिए आई थी। ये बात आप लोगों में से कोई भी तब नहीं होगा शायद, जब गोल्डन टेंपल में मिलिट्री आई थी, शायद आपने पढ़ा होगा, आपकी उम्र से देख के मेरे को अंदाजा है कि आपको नहीं पता, 1984 की बात है। तो मैं अपने एज ए रिसर्चर मैं कुछ लोगों को इंटरव्यू करती थी, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा आप इंदौर आ जाइए, एक बहाई संस्था ने भी कहा कि आप इंदौर आ जाओ, आदिवासी लड़कियों का एक इंस्टीट्यूट शुरू करना है। तो वो संस्था बनाई, मैं नौकरी छोड़ाई, माँ बाप को छोड़ाई, सब, मेरे को मंजिल मिल गई, मेरे को पता चल गया कि अब मुझे कहाँ जाना है। तो मैं 1985 में आके इंदौर में एक खाली जगह 6 एकड़ जमीन पर मैंने आके एक इंस्टीट्यूट, वो बहाई लोगों का सपोर्ट था और कुछ दूसरे लोगों ने भी हेल्प किया, तो वहाँ आदिवासी लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू की जो स्कूल ले गई थी। और पर्यावरण की बहुत समस्याएं थी। सबसे पहला काम जो मैंने किया, संस्था बना ली, आके अकेले मैंने रहना शुरू किया, आप लोग गूगल पे देखेंगे मेरे नाम को, अभी बहुत सारी 70-75 फिल्में हैं यूट्यूब पे, अभी इस टॉक में तो सारा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वो इंस्टीट्यूट को, बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, ये आपकी मैडम को पता है सब, लेकिन आप बच्चे और बाकी लोग भी गूगल पे देख सकते हैं, उसको शुरू किया। तो मैंने पहली बार जीवन में आदिवासी एरिया में गई, मुझे नहीं पता था कि आदिवासी लोगों के पास बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जंगल में रहते थे, जंगल भी अभी काट दिए सरकार ने और लोगों ने और बिजनेस वालों ने, उनके वहां वो बावड़ी तालाब जो होता था उसी में से पानी पीते थे सब लोग, कुएं और तालाब, और उसमें जैसे अभी कोरोना फैला है, उस जमाने में एक इंफेक्शन फैली थी पानी की, उसका नाम था गिनी वर्म्स, आप देखना अपने गूगल पे गिनी वर्म, नारू की भी बहुत लंबा 1 मीटर तक का पतला धागे जैसा कीड़ा था, और वो पैर में से और घुटने में से निकलता था, बहुत लंबा। तो 302 गांव में ये बीमारी थी। मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि मैं जाके लोगों को सिखाऊंगी कि ये पानी हैंडपंप सरकार ने लगाए हैं लेकिन लोग पीते नहीं थे पानी, कि ये पानी पीना है, ये पानी इन्फेक्टेड है, ये क्यों इन्फेक्टेड है, उन लोगों को नहीं पता था। लेकिन मैंने 302 रात उन 302 गांव में जब गुजारे, रात को नाटक किए उनकी भाषा में, भीली भाषा में, उन लोगों ने नारू खत्म कर लिया, उन लोगों ने अपने जीवन को ये कर लिया, अभी जो रास्ता था, जैसे अभी कह रहे हैं ना मास्क पहन के रखो, ये डिस्टेंस बना के रखो, तो उनको जो जो समझाया उन्होंने किया। मैंने पैसे लेके कोई काम नहीं किया, मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ना गाड़ी थी, ना कोई स्टाफ था, ना मैंने किसी से फंडिंग ली थी, मैं टायर की 2 रुपए की आदिवासियों की बनाई चप्पल, 1 जोड़ी मेरी कपड़े की थैली में रात को रहने की होती थी,
और धो लेती थी। टॉयलेट नहीं होते थे वहां, बाथरूम्स नहीं होते थे। मैं दिन में 23 किलोमीटर तक पैदल चल लेती थी अगले गांव जाने के लिए, और मैं बहुत मजबूत थी, आत्मा से भी, दिल से भी, मन से भी, शरीर से, डरती नहीं थी। मैं आप बच्चों को यह बताना चाहती हूँ, पहली बात है कि डरना है तो सिर्फ ईश्वर से, और डरना है तो गलत काम करने से डरना है, डरना है तो बुरी संगत से डरना है, तो डरना है तो कोई भी बुरी आदत से डरना है। तो वो नारू मुक्त हो गए। आपको पता होगा एक UNEP ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे पुरस्कार देने के लिए ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर मेरी संस्था के नाम से बुलाया ब्राजील में। विश्व का सबसे पहला एनवायरनमेंट का क्लाइमेट बाद में हुआ है, एनवायरनमेंट की अर्थ समिट ब्राजील में रियो डी जेनेरो में हुई थी। तो मैंने रियो डी जेनेरो में लेने तो मैं पुरस्कार गई थी, और वहां सम्मेलन में क्या होता है, विश्व स्तर का सम्मेलन, मुझे तो नहीं पता था इससे पहले। वहां बैठकर जब मैंने पूरे विश्व की, आप लोग जरूर पढ़ना, बच्चे भी, टीचर्स भी और बाकी लोग, अर्थ समिट के बारे में पढ़ना, पूरे विश्व में जो अब कोरोना आया है, इसकी वार्निंग उस टाइम दी गई थी। उस टाइम ये कहा गया था बचा लो पर्यावरण को। तो मैं वहां से ब्राजील रियो डी जेनेरो से ईश्वर के साथ, अपनी आत्मा के साथ ये संकल्प लेके आई, मेरे जीवन में अभी मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगी जिससे किसी भी जीव का को हर्ट होगा, नुकसान होगा, उसको क्षति होगी, उसको प्रॉब्लम होगी, वो बीमार हो जाएगा। तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी कि नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा यूज करना कि आगे आने वाले टाइम में, जैसे आप बच्चे हैं और आपके बच्चे होंगे, उनको ये सब जो अभी हमारे पास है वो उनको हम दे सके। लेकिन मैंने रियो डी जेनेरो से, ब्राजील से आने के बाद बोलना शुरू किया, पूछना शुरू किया, इंटरनेट बहुत बाद में आया, जाके जहां भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और गैदरिंग होती थी, अभी पानी है जितना चाहिए, नहीं, जितनी ऑक्सीजन चाहिए है, नहीं, जितने पेड़ चाहिए है, नहीं, धरती में केमिकल डाल दिया है, सॉयल अच्छी है, नहीं। तो जब है नहीं, मेरे हाथ में प्रसाद नहीं है, मैं बांटूंगी कैसे? अभी तो देने की बात है, मैं बच्चों को कैसे दूंगी ये सब? मेरे बच्चों को क्या दूंगी? वो अपने बच्चों को देंगे, बैंक में पैसे खाली कर लिए हैं, तो लेने कहां जाएंगे? तो एनवायरनमेंट का जब ये हालत होना शुरू हुई, तब हर साल कभी स्वाइन फ्लू आया, कभी डेंगू आया, कभी प्लेग आया, कभी भूकंप आ रहा है, कभी आग लग रही है, कभी बाढ़ आ रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, सबसे ज्यादा रोल प्लास्टिक और केमिकल्स। फिर प्लास्टिक की बोतलें इसीलिए चली, लोगों को लगता था पानी सेफ नहीं है, ये पैक्ड पानी सेफ है, लेकिन जो बिजनेस की करप्शन करने वाले लोग हैं, वो कोई भी पानी कहीं भी पैक कर देते थे। लोगों को ये भी पता चला, जरूरी नहीं है कि ये बिजली का पानी ठीक है, लेकिन हर चीज चाइना से, दूसरे कंट्री से आने लगी, और हर चीज प्लास्टिक में पैक होने लगी। तो प्लास्टिक इतना बढ़ गया, प्लास्टिक जाके नदियों को रोकता, गाय के पेट में से प्लास्टिक निकली, कितनी गायों के पेट में से, आपको पता है? गाय की सर्जरीज हुई जब, कितनी गाय, कितनी काउज के पेट में से, कितने किलो किलो
प्लास्टिक निकला, तो पानी नदियों में, आपके समुद्र में, आपके नजदीक, मुझे पता है, मैंने आपका एरिया देखा है, रत्नागिरी पूरा घूमी हुई मैं, जो बहुत बड़ा किला है और बहुत पानी का भी वहां एरिया है, देखा है मैंने, बैक वाटर भी सब देखे मैंने, तो लेकिन वहां पोल्यूशन सब प्लास्टिक भर दिया, गंगा कर दी, यमुना मैली कर दी, फिर सारा सारी नदियां मैली कर दी, गंदी कर दी, उसी से प्रदूषण बढ़ा, उसी से मुझे कैंसर भी हुआ। 2007 को मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मेरी 4 सर्जरी कैंसर की हुई, मैं कैंसर से बची। आपने मेरा परिचय बताया है कि संगिनी कैंसर केयर सोसाइटी, एक साल में मैं मतलब ऐसी हो गई थी कि मतलब आप मुझे देख नहीं सकते थे, इतनी भयानक दिखती थी मैं, और 6 महीने में 14 बार मैं हॉस्पिटल दाखिल हुई, तो कैंसर से भी बची। हर बार मुझे दिल की बीमारी से समझ आया, अस्पताल में रह के समझ आया कि काहे काहे से हम बीमार होते हैं, तो हमें बीमारी दवा से ठीक नहीं होंगे, जब बीमारी की जड़ क्या है, अभी बहुत बीमारियों की जड़ प्लास्टिक है। तो मैंने अपना उद्देश्य बनाया, आपने बताया, मैंने जैविक सेतु बनाने के ऊपर काम किया, मैंने जैविक, हम लोगों ने बरली संस्थान में सोलर कुकर बनाए, सोलर से खाना बनता है, जीरो कचरा। उस कैंपस में मैडम तो अभी कुछ शायद 1 साल पहले देख के गई है, वहां कचरा नहीं होता है, प्लास्टिक में कोई चीज नहीं आती है, प्लास्टिक में कुछ नहीं होता है, और कचरा भी कचरा करते नहीं है। यहाँ तक कि जनक जी जो वो बाल होते हैं हमारे, उसका भी ब्रश बना के उससे पेंटिंग। हाँ जी याद है मुझे जी। एक सेकंड जनक दीदी, जो वो पेंटिंग करते थे ना वैक्स वाली बटिक प्रिंटिंग, उसके जो बाल ब्रश बनते थे वो भी बालों से, बचे हुए बालों के उससे बनाए जाते थे। बटिक प्रिंटिंग के बालों के ब्रश मतलब एक बाल भी नहीं फेंकते थे हम लोग, हमने सारा कुछ सीखा। तो मैं 3 साल जब मैं बरली संस्थान में अकेली काम कर रही थी तो ब्रिटेन से एक बहाई आए, वो भी स्वयं सेवक थे, उनका नाम था जिमी मगिलिगन। तो जिमी मगिलिगन ने कहा जब मेरा सेंटर देखने आए कि ये काम, मैं अपना जीवन खराब नहीं करना चाहता हूँ, मैं यही काम करना चाहता हूँ, मैं यूके नहीं जाना चाहता। तो ईश्वर की कृपा हुई, हमारी शादी हुई, हमारे माता पिता ने चंडीगढ़ में हमारी शादी करी, तो मैं जनक पलटा मगिलिगन बन गई। मगिलिगन मेरा ससुराल का नाम है। तो अभी इसने अच्छा याद कराया कि जिमी ने बहुत सारे इनोवेशन किए, और फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा मैंने रीडिफाइन किया। आप सब ने सुना पंडित जी बोलते थे, विश्व का सब बोलते थे कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा करके घर आ जाते थे बस। ना तो विश्व के कल्याण क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं था, और प्राणियों में सद्भावना कैसे रखनी इससे भी कोई मतलब नहीं था। तो मैंने बहाई धर्म इसीलिए अपनाया कि केवल प्राणियों में सद्भावना, अभी हिंदू मुस्लिम का लफड़ा नहीं होना, दलित का लफड़ा नहीं होना। अरे जिसका बलात्कार हुआ उसका बलात्कार हुआ है, बलात्कार की बात करो, दलित का बलात्कार क्यों हुआ बोला, ये मुस्लिम ने ऐसा किया ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये इस जाति के आदमी ने ये किया ऐसा क्यों बोल रहे हो, जिसने किया वो भी इंसान है, जिसके साथ किया वो भी इंसान है। तो विश्व का कल्याण का मतलब ये कि हर काम हमारा ऐसा हो कि कोरोना, ये कोरोना बता रहा है कि विश्व के ऊपर है वो, जो काम हम करेंगे उससे सब चीजों का बचाव होगा, हमारा भी होगा और विश्व का भी होगा। तो अब प्राणी कौन कौन से हैं, इसका मतलब यह हो गया वी हैव टू थिंक ग्लोबली एंड
एक्ट लोकली, मुझे पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक खत्म करना है, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, लेकिन पेड़ लगाने हैं, फल लगाने हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, धरती को जिंदा करना है, तो प्राणियों में सद्भावना का मतलब, प्राणी कौन कौन है, हम सब इंसान, आप किंगडम पढ़ते हो ना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम, पशु जगत, उसके बाद वनस्पति जगत, ऑल वेजिटेशन, उसके बाद आता है मिनरल्स, जमीन और इसके नीचे जो भी है, और पांच तत्व, फाइव एलिमेंट्स। हमारे जीवन में इंसान को दुनिया में इसलिए भेजा गया है, हर धर्म ने बताया है कि इंसान का काम है वो इस कायनात को बचाए, इस दुनिया को बचाए, इनकी रक्षा करे, उपयोग करे, पर उपभोग नहीं, इनको कंज्यूम नहीं करना, बढ़ाते रहना। अब सारे सारा खा लेंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे, बढ़ाते भी जाना। तो हमने ये नहीं किया। तो प्राणियों में सद्भावना की बात, और ये बात लेते हुए मैं और जिमी, आप बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वेमेन ने, हमने 500 गांव की 6000 लड़कियों को ऐसा बना के भेजा, जो अपने अपने गांव में वो ये सब कर रही है जो आप मेरे से सुन रहे हो। उनमें से कोई भी जाके मजदूर नहीं बने, वो मजदूर थी, जब मजदूर परिवारों से थी। हर मजदूर इस देश में बहुत मजबूर है, हम सब अपना काम खुद करना सीखे, ये भेदभाव, उसको छोटा समझना, मजदूर को, सफाई करने वाले को छोटा समझना। अभी समझ आ गया ना कोरोना में, जब काम नहीं करने देना, कि भाई को घर नहीं बुलाना, डर से, इज्जत से नहीं, हमें अपने जीवन को समझना है। ये कोरोना सिखाने के लिए आया है कि आपको उसकी वैल्यू पता चली। अब जो घर में बर्तन मांजने आती थी, जो घर में काम करने आता था, जो सब भैया भाभी माँ आई भाई सब, अब उसकी वैल्यू पता चली। तो हम अभी भी, अगर अभी जो प्लास्टिक की अभी बात पे आती हूँ, एक तो पानी बचाने की बात है, ये एक स्टील के ग्लास से दिन में मैं 15-20 बार पानी पीऊँ, मैं बाहर जाऊँ चाय पीऊँ, ठंडा पीऊँ, गर्म पीऊँ, मैं फ्लाइट में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, रिक्शा में बैठूँ, कार में बैठूँ, कहाँ भी जाऊँ, जब मुझे ट्रैवल करना है, मेरा थैला, उसमें ये ग्लास और ये मेरी फ्लास्क, ठंडा गर्म दोनों रखते हैं, और ये छोटे से थैले में आ जाते हैं। आप YouTube पे देखिएगा, जनक पलटा मगिलिगन स्पीक्स एट UN, मेरी टेबल पे ऐसा ही ग्लास पड़ा है, वहां पर फिल्म में आप खोलेंगे, उससे पहले आपको मेरा ग्लास दिख जाएगा। तो मैंने ये तय किया, मैं मेरे जीवन में कचरा मुक्त जीवन जीऊंगी, मेरे जीवन में वेस्ट बिन नहीं है, ट्रैश बिन नहीं है। और वो फिल्मों में देखिएगा आप, सारी जो फिल्में पड़ी हैं उनमें, उनको खोल के देखिएगा कैसे करते। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, हम रिटायर होंगे, रिटायर होने से पहले उनको उनके कामों के लिए, ये पर्यावरण का मैंने तो बोला, टेक्नोलॉजीज उन्होंने बनाई, सोलर किचन उन्होंने बनाया, सोलर पैनल बनाए, ये बता रही है बाटिक के ब्रश कैसे बनाने, खाद कैसे नेचुरल बनानी है, पेड़ पौधे नेचुरल कैसे उगाने हैं, ऑर्गेनिक खाना कैसे उगाना, ये सब उन्होंने बनाया, और लड़कियां अपने अपने गांव में किया। उनको क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया, जेम्स जिमी मगिलिगन को। तो हम दोनों ने तय किया, अभी संस्था बड़ी हो गई है, हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, तो हमने रिटायर होने के पहले एक कपल को ट्रेन करके उनको संभाल के, अभी दोनों ने सोचा, मेरा मायका चंडीगढ़ है और मेरी प्रॉपर्टी दोनों जगह चंडीगढ़ में भी थी, वहां भी था घर, उत्तरी आयरलैंड में, ब्रिटेन में, दोनों ने सोचा नहीं, भारत के एक गांव में रहेंगे और ऐसा जीवन जिएंगे जिसको देखकर लोग बदलेंगे। तो मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ, ये मेरा घर है,
एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, आप देख लेंगे बहुत सारी वीडियोस में मेरे घर के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं। अभी लेटेस्ट जो है वो ग्रीन हीरो की है, एक जिंदगी विद रिचा अनिरुद्ध की है, जो स्टॉक्स है अपनी टेडेक्स स्टॉक है, बहुत सारी हैं। ऐसी भी फिल्में लोगों ने नाम लिख दिया है कि वो अरबोपति जैसा जीवन जीती है, ऐसा भी लिख दिया है कि वो तो बहुत अमीरों की तरह जीवन जीती। हाँ मैं बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास तो मैंने 12 मार्च के बाद मैं मेरे घर में बैठी हूँ, हम सब अपना उगा के खाती, आधा एकड़ जमीन में बाजार से कुछ नहीं आता, नमक आता है केवल नमक और चाय पत्ती गुड़ ये खरीदती हूँ बस, अब सब कुछ अपना बनता है, अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। और गांव में भी लोगों ने ऑर्गेनिक, तो ये आपको चॉइसेस सस्टेनेबल करना है, ये चॉइस है, ये चॉइस है। हमें हमें असली जीवन जीना है के नकली जीवन जीना है? असली जीवन जीना है वो प्लास्टिक नकली जीवन है, सोना सोना और प्लास्टिक की चूड़ियां आर्टिफिशियल कहते थे ना, वो आर्टिफिशियल लाइफ है प्लास्टिक वाली। तो हमारे यहाँ प्लास्टिक का कोई लेन देन नहीं है, कोई भी चीज जब बाजार से लाना नहीं तो प्लास्टिक आएगी नहीं घर में। और इनको पता है, स्कूलों में जाती थी टेबल पे बिस्लरी की बोतल नहीं आ सकती थी, किसी प्रोग्राम में जाना चीफ गेस्ट, वो प्रोग्राम में प्लास्टिक आएगी डिस्पोजल यूज करेंगे तो नहीं आऊंगे। शादी में नहीं जाती थी पर लोग प्रेम के कारण दीदी की रिश्ते से, पद्मश्री के रिश्ते से नहीं, पद्मश्री मेरा रिश्ता नहीं है, वो केवल एक सम्मान सरकार ने दिया है, उससे उसके उसका मेरा कोई पदवी नहीं है, लोगों ने मेरी बात मानी। मेरे गांव में बच्चे अपने माता पिता का श्राद्ध करने लगे, अभी गणेश विसर्जन मूर्तियों का ऐसे मिट्टी का बनाना है, हर चीज के अंदर केमिकल की खेती छोड़कर। तो प्लास्टिक में पैकिंग 12 मार्च से मैं बिल्कुल घर पे हूँ, अभी लॉकडाउन जो लगा मैंने लोगों को सिखाया कि घर से बाहर मत जाओ, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा, मेरे घर में बाजार से कोई चीज नहीं आई, बाई चांस नमक भी इतना पड़ा था और चाय पत्ती भी इतनी पड़ी थी और मेरा गुड़ भी था मेरे पास, गुड़ ही खाती हूँ मैं। तो ये चीजें जो हैं, ये एक रुमाल रखती हूँ, टिश्यू पेपर भी यूज नहीं करती, सुबह दातुन करती हूँ नीम की और अपने बदन पर ये एलोवेरा से नहाती हूँ। वो कहते हैं ना मेरी सफेदी, ये मेरी सफेदी जो है ये एलोवेरा से है, एलोवेरा मेरा शैम्पू है, एलोवेरा मेरी बाथ जेल है, और हिबिस्कस के फूल मेरे हेयर कंडीशन, देखिए मेरे बाल ये पूरे कैंसर में निकल गए थे, अभी मैं 73 चल रही हूँ। ये सब जो है ये सब नेचुरल फूड से है। अभी मैंने चाय पी आपके साथ, उसमें बाजार का कुछ भी नहीं है, आपको कुछ चीजें सिंपल बता भी देती हूँ, अभी गिलोय, तुलसी, लेमन ग्रास, पुदीना, और अगर नींबू घर पे पेड़ पे सारा साल तो लगते ही नहीं, आप नींबू के 4 पत्ते डाल लीजिए अपने पानी में, बस बढ़िया लेमन टी ग्रीन टी सब हो जाएगा। अपने अपने घर में छोटे छोटे पॉट्स में लगाएं, स्कूल में भी ऐसा एक बनाएं, अगर नहीं बनाया ऐसा एक गार्डन, द गार्डन सस्टेनेबल गार्डन बनाएं अपने स्कूल में, हर चीज का एग्जाम्पल कि हर बच्चा सीख सके कि अपने घर में एक छोटा गार्डन कैसे बनाना है, और हर बच्चा संकल्प ले हम बाजार की कोई चीज नहीं खाएंगे जो प्लास्टिक में पैक्ड है, ये चॉकलेट है कि नमकीन है कि वेफर्स है कि बिस्किट है कि जो भी है, सब चीज वो खानी है जो प्लास्टिक में पैक नहीं है। आपको आपको पता चल गया, अभी ये कोरोना इसीलिए है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन लोगों के फेफड़े कमजोर हैं वही मर रहे हैं, सबसे ज्यादा मरने वाले वो लोग हैं जिनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कमजोर है। आपको मैंने बताया मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, मेरे 4 कैंसर की सर्जरी हुई, उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ मेरा और मेरे हस्बैंड का,
कार में किसी ने टक्कर मारी, हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई, मैं बच गई, मैं अकेली रह गई। लेकिन मैंने फिर अपने आप को कहा कि अब मुझे तो जीना है, मैं तो अपने आप को सस्टेन करूंगी, सस्टेनेबल रहना है मेरे को, और जो हम दोनों ने सोच के ये घर बनाया, अब यहाँ रह के मुझे वो सब करना है, तो मैं कर रही हूँ। पता क्यों? मुझे ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे। जितने लोग कोरोना में मरे हैं, मुझे पक्का पता है किसी को नहीं पता था कि वो कोरोना से मर जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये चॉइस है कि हमें जीना कैसे है। तो प्लास्टिक मुक्त जीवन जीना है, जहर मुक्त जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, प्रेम से जीना है, प्राणियों में सद्भावना रखनी है, विश्व का कल्याण करना है। 2:25 हो गए हैं, अब 5 आपको क्वेश्चन पूछने के लिए देती हूँ, और आपका सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे सुना, और आपका जब मन करे बाद में ये कोरोना विदा हो जाए फिर आप लोग आना। आपको दीपावली की शुभकामनाएं, कल ईद भी थी, शरद पूर्णिमा भी थी, सारे त्योहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मोनिका फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मैम। व्हेन वी हैड दिस यू नो द फ्लोटिंग ऑफ द टॉपिक, ऑल आवर किड्स लाइक फॉर द प्रीवियस सेशंस दे वर ऑल प्रिपेयर्ड विद अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू नो व्हाट मैम, I had to figure out those 5 prompt questions, very relevant questions which could have been asked to you. लेकिन आपकी बातों ने हमारे हर सवाल का जवाब दे दिया है, और उन कई सवालों का जवाब दे दिया है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो हम सबको सोचने चाहिए थे, जो सवाल हमारे होने पर होने चाहिए थे। थैंक यू मैम, यू हैव स्पोकन एट लेंथ एंड आई थिंक यू हैव आंसर्ड टू ऑल द क्वेश्चंस अनआस्क्ड एंड इवन प्रोवोक्ड इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ आवर लर्नर्स। Still, I know the curiosity is high and these sessions are so popular because kids get a chance to speak. So I would want some of the kids to please ask questions to you. And in a list, I would like to call upon Sara Bapardekar. Sara, are you there? Yes, ma'am. Yeah, Sara, please go ahead. Ma'am is all set for answering. Good afternoon, ma'am. Aap se prerna lekar हम भी आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, पर सारा, यस मैम, वी मिस्ड योर वॉइस इन बिटवीन, आस्क अगेन। गुड आफ्टरनून मैम, आपसे प्रेरणा लेकर हम भी आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, पर उलझन ये है कि हम शुरुआत कैसे करें और कहां से करें? Wow. Is that a question? Yes. Okay. मैम बच्चे, हाँ यार। एक सेकंड। कोई जाना बताएगा क्या क्वेश्चन? जी मैम, बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि वो सभी आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो पहल, वो शुरुआत किससे करें? उनके जीवन में वो पहला स्टेप कौन सा हो जिससे आप जैसा जीवन जिया जा सके? ओके, पहला स्टेप है कि ये तय कर लेना अपने आप के साथ कि मुझे अब ऐसा ही जीना है। कहीं से भी शुरू कर लो, आज से जाके क्या नहीं करना है वो नहीं करना है, और क्या करना है आज से जाके वो शुरू कर दो, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम, थैंक यू। इन द सेम सीक्वेंस, या आई होप सारा यू गॉट योर आंसर, एंड लाइक सारा ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट आर वी गोइंग टू डू एंड व्हाट आर यू गोइंग टू से नो टू। इन द सेम सीक्वेंस आई वुड लाइक टू इनवाइट कार्तिक देवल टू पोज दिस क्वेश्चन। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम, your idea of living a plastic free life has inspired all of us, but I couldn't find the replacement for certain things. What things did you find hard to replace?
जनेसी जी म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ अभी बताएंगे क्या क्वेश्चन बोला उसने जी। कार्तिक वुड यू रिपीट व्हाट वाज द क्वेश्चन बच्चे ने? आपने जो हमें बताया कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी रही है उससे हम सब बहुत प्रभावित हैं। पर मैम मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई जिनका आपने कुछ प्लास्टिक की चीजें जिनको आपने अपनी जिंदगी से हटाया वो क्या आप बता सकती हैं कि आपको क्या मुश्किल लगी, कौन सी चीजें मुश्किल लगी? मैम यू म्यूटेड मैम, जनक मैम, जनक दीदी म्यूट पर है आप, अनम्यूट। जो भी मैंने किया है क्योंकि मैंने चॉइस से किया है तो मुझे मुश्किल नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ये खराब है छोड़ दिया। अभी कोरोना खराब है ना, कोरोना खराब है तो हमें पता है, तो कोरोना के पास नहीं जाना ये मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है। जब हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए खराब है और हम उसको छोड़ देते हैं तो बहुत खुश होते हैं। चलो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, I don't need it. Thank you, ma'am. Thank you, Karthik, for asking. Ma'am, आपकी बातें सुन के कुछ मन में आ रहा है कहने का। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। Let us all follow this. Okay. SVM is a hub of creativity, zest, verve, and curiosity. We've seen that in our kids, and our eminent keynote speaker has answered to all of those, but still I know my colleagues would also want to pose some of the questions. In the sequence, I would like to invite Ms. Neema Sawant to ask a question. Ma'am. Hello, ma'am. वैसे great to hear you from you. बट अगर सच्ची सोचा जाए और इम्प्लाई करे तो आधा घर तो वैसे ही खाली हो जाएगा, आधे से ज्यादा हो जाएगा मे भी। तो जैसे कुछ चीजें हैं जो रिप्लेस हो ही नहीं सकती, फॉर एग्जाम्पल उस चीजों के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे टूथब्रश है, टूथब्रश तो ऐसी चीज है जिसमें तो प्लास्टिक ही है। ऐसा है जो डिस्पोजेबल चीजें हैं और डेली यूज करके फेंकते हैं, ज्यादा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो चीज लंबे टाइम के लिए है वो इतनी नुकसान नहीं करेगी। थैंक यू सो मच। Thank you, Neema ma'am. Thank you, Janak ji. I would now request Ms. Shruti Advani to ask a question. Good afternoon, ma'am. It was a treat to listen from you, and it actually reminded me of my grandmother, the way she used to tell us stories. So it was brilliant, and it was actually an eye-opener to think of living a sustainable life that has been possible by you. I can like very promptly say that you are a solution to all the ecological ordeals that we have. We have heard a lot about slashing and burning as a traditional way of rejuvenating soil, practiced popularly in Punjab, Haryana, Delhi, NCR, and also it is called Bhajani in Ratnagiri and adjacent areas. And the Honorable Supreme Court has stated its verdict and has made it a punishable offense as well. So what would be the solution or an alternate option to this practice? So we have to look for and we have to use, like
I gave this example. I found it. So you need to look around. You need to look around. You, these days, you are very lucky. You have Google. Go to Google. Google will tell you alternative to this thing. You don't have to struggle like me. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Time is the biggest constraint. Else, Janakji, believe me, I'm speaking everyone's heart here. We would have heard you for on and on and on and on. I mean, it just went deep into us, and we thought we should always follow you. I mean, you should be speaking and we should be hearing. But then there has to be, I mean, time never permits us. Anyway, we've reached the conclusion of this What If episode, which would be befitting only if our versatile leader speaks. I request Madam Principal, Ms. Monica Jaiswal, to share her wisdom on the topic and today's session. जनकदी पहले तो बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद कि मेरे बोलने पर मुझे ऐसा लगता है मैं तो आपकी बच्ची बोल दीजिए छोटी बहन बोल दीजिए जो समझ लीजिए पर मैंने यहाँ पर आपके बारे में सबको इतना बोला है और मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि ये आप लोगों से बच्चे आपसे सीखें मेरे कलीग्स आपसे आपको सुने और अभी इस समय हम फेसबुक लाइव पे है तो मुझे लग रहा है रत्नागिरी में इंदौर में सभी लोग हमें सुन रहे हैं और इस लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मुझे पता है आपका शेड्यूल कितना ना बिजी रहता है और एक दिन में आपके कितने सारे प्रोग्राम्स रहते हैं उसके सबको देखते हुए भी आपने हमारे बच्चों के लिए वक्त निकाला क्योंकि जनक दीदी जो जीता है वही सबसे अच्छा सिखा पाता है एंड यू हैव ऑलवेज नो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच सो आई थिंक दैट एज अ पर्सन यू हैव रोल मॉडल्ड सस्टेनेबल लिविंग For all of us. मुझे अभी भी सबसे ज्यादा अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो मैं जब हर साल बच्चों को आपके पास लेके आती थी आपका घर दिखाती थी आप सबको इतने उत्साह से राजेंद्र है और दीदी है सब लोग मिलके जो उनको पूरा घर दिखाते हैं सारे सोलर कुकर दिखाते हैं कुकिंग वो मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि बच्चे देख कर सबसे ज्यादा अच्छा से सीखते हैं मुझे ऐसा लगता है तो जब भी मौका मिलेगा कुछ बच्चों को लेके या पूरी टीम को लेके अगर मैं वहां आ पाई और आपका घर दिखा पाई कि कैसे आप पूरा सोलर और विंड पे अपना जीवन यापन करती हैं और उसके अलावा गांव वालों को भी बिजली पहुंचाना जो मैं यहाँ बताती हूँ सबको कि विंड पावर के इस्तेमाल से जनक दीदी दूसरे घरों में भी बिजली देती है दैट इज रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पोजिशन में आके अगर हमने अपने टीचर्स को और अपने बच्चों को कल के लिए या आज के लिए जागरूक नहीं बनाया तो हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आज मुझे इस पोजीशन पे बैठ के लगता है नहीं ये जो बच्चे हैं यही कल का फ्यूचर है और अगर आज हमने इन्हें सिखा दिया तो जो अर्थ को हीलिंग की जरूरत है जो हमने कोरोना के समय में देखा कि जंगल के जानवर सड़क पे आ गए पानी स्वच्छ हो गया नो ये सब चीजें तभी मुमकिन हुई जब हम लोग ने एक बैक स्टेप लिया ह्यूमंस ने एक बैक स्टेप लिया पर इसकी नौबत क्यों आए क्या हम लोग को एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर के साथ मैंने देखा है आप मच्छरों के लिए ऑल आउट भी नहीं जलाते हैं हर चीज का एक जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आपके पास है आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर वो सबको सीखना है और जितना ज्यादा हम इसको एक्चुअल लाइफ से कनेक्ट करेंगे हर साल बच्चों को एग्जाम्स देनी है पास होना है पर जीवन में क्या सीखा और जीवन को कैसे बेहतर बनाया ये तो आप जैसे लोग ही हमें सिखा सकते हैं सो बहुत बहुत दिल से फिर से धन्यवाद आपका जनक दीदी दैट यू हैव रियली एनलाइटेंड ऑल ऑफ अस एंड आवर चिल्ड्रन एज वेल थैंक यू मैम फॉर योर मोटिवेशनल स्पीच एंड योर वर्ड्स रियली मीन अ लॉट लाइक जनक दीस वर्ड्स फॉर अस आई वुड फाइनली कॉल अपॉन रियाम रावत फ्रॉम ग्रेड 5 टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स थैंक यू गुड आफ्टरनून टू ऑल प्रेजेंट I, Rayam Rawat, am here to propose the vote of thanks for the event so well organized. The success behind each event lies on every spoke of a being working in unity and coordination. We thank our esteemed guest, Ms. Janak Palta, for sparing her valuable time for us all. Profuse thanks to our profound trustees, for their inspiring guidance.
our heartfelt thanks to our torch bearer, our principal ma'am, Miss Monica Jaiswal. Profuse gratitude to all the facilitators, learners, and logistic organizers who made this event possible. Last but not the least, a thumping applause to the video audience from across fields for illuminating the show. Sincere prayers to Almighty to erase this pandemic and enable us all to normal lines. Thank you. Thank you, Rhea. I hope each one of us have a takeaway from this session. So if, you know, it is said that if we take care of small things, the big things will fall in their place. So let us all pledge, let us all work in our own lives to use the minimal of plastics. Because if the approach starts from the minimal, we can certainly reach to negligible. We promise you, Janak ji, ki hum is seminar se hamari tarah bahut sare logon ko bhi is raste par chalne ke liye majboor karenge. Thank you, ma'am, for being with us. Aur Janak didi, ek chhota sa promise karne ki koshish karungi ki hum koshish karenge ki hamara SVM school ko hum polythene free zone bana sake. To ye agar aaj ka hum bahut bada takeaway lena chahe is session se, aur choti choti koshishon se hi kamyabi milti hai, to hum apni taraf se puri koshish karenge ki hum school ko no polythene zone se at least shuruaat karne ki koshish kare. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much for being with us. It's a polite request for the students to stay with me because we are going to conduct a pledge for the Unity Day today. So I want